break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full. Hi guys, welcome to the sets of Pyari Mona. This is not Sanam, this is Mona. In fact, Pyari Mona. और हम यहाँ शूट कर रहे थे, मैंने कहा थोड़ा बहुत स्नीक पीक आपको भी देखने को मिलेगा क्या हो रहा है. एंड दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग एंड आई थिंक इट्स रियली क्यूट, आई लव माई लुक. बहुत सारे सवालात आप लोगों को पूछने की ज़रूरत भी नहीं होगी क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली बोल रही होंगी. दिस इज़ एक्चुअली समथिंग दैट मोना डज नॉट गो आउट विदाउट. मतलब ये इज़ अ पार्ट ऑफ मोना, ये सारी एक्सेसरीज और ये जी शॉक और ये जॉर्डन्स, तो ये मोना का स्टाइल है. एंड थैंक यू सो मच, इतने सारे कॉमेंट्स, इतने जो हमारा पहला टीज़र है उस पर इतने सारे कॉमेंट्स आए हैं और लोग इतने पॉजिटिवली इसके बारे में बात कर रहे हैं. आई एम ग्लैड कि किसी प्रोडक्शन हाउस ने इस टॉपिक पे बात की. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे वक्त लगा सोचने का मैं करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, पर मैंने कहा मैं क्यों ना करूँ. एज एन एक्टर मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी क्या कहेंगे, मेरी खुशनसीबी है कि मेरे नसीब में ये स्क्रिप्ट आया जिससे मैं लोगों तक एक पॉजिटिव चीज़ पहुंचा सकती हूँ, एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचा सकती हूँ. एंड यू नो दिस इज़ नॉट जस्ट अ टिपिकल प्ले, जस्ट अ टिपिकल प्रोजेक्ट, इट्स समथिंग जिसमें आपको मज़ा आएगा, आपको हंसी भी आएगी, ऐसी बातें होंगी, आप कहेंगे अरे ये तो हमारी आम जिंदगी में ऐसी बातें होती हैं. एंड दिस इज़ फॉर ऑल द मोनाज आउट देयर, क्योंकि हर किसी के अंदर कोई ना कोई मोना होती है. मोना मोना मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं ऐसी दिखती हूँ, कि मैं एक सर्टन साइज़ की हूँ. मोना मैं दिल से हूँ, मैं कॉन्कर करना चाहती हूँ पूरी दुनिया को. मेरे भी 10 ख्वाब हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे और मेरे ख्वाब के बीच में आते हैं. और यकीनन आप अलग अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी में अपने चैलेंजेस का सामना करते होंगे. उन्हीं चैलेंजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, और हम बुलियंग के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लोगों को स्नप करने के बारे में, हम बात कर रहे हैं कि हम लोगों को मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं. एंड यू नो बिकॉज ऑफ बुलियंग एंड बिकॉज ऑफ हरासमेंट, बिकॉज ऑफ यू नो पुलिंग ईच अदर डाउन एंड बॉडी शेमिंग, ये चीज़ मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ भी लेके जाती है. ईटिंग डिसऑर्डर्स, एन्जाइटी, डिप्रेशन, मेंटल इश्यूज, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली ऑल दैट वी टॉकिंग अबाउट इन प्यारी मोना. सो देखना ना भूलेगा, हम टीवी पे बहुत जल्द आ रहा है. सो दिस इज व्हाट यू थिंक ऑफ व्हेन यू इमेजिन वुमेन्स फ्रेग्रेंसेस. वेल नॉट एनीमोर. वुमेन्स फ्रेग्रेंसेस आर यूजुअली ब्लैंड, लाइट एंड हैव जीरो लास्टिंग. सो व्हेन आई वाज टोल्ड टू मेक माय न्यू परफ्यूम द सेम वे, आई सिंपली सेड नो. इंट्रोड्यूसिंग डस्क, स्ट्रांग, डार्क एंड लॉन्ग लास्टिंग. It shatters the norms of what a woman's fragrance is supposed to be. Think of it like a flower, but instead of the petal, it's the thorns. I've been giving you the worst. Dusk, the new unisex fragrance by Sanam Jung. Aur on and off aap hame set pe milte rahe. Working with Sanam, yaar bahut amazing. मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं होता सनम के बगैर. इसके लिए हमने काफ़ी वेट भी किया क्योंकि वो मान नहीं रही थी इस प्रोजेक्ट के लिए. जाहिर है उनके अपने कंसर्न्स थे, उन्होंने काफ़ी काम किया स्क्रिप्ट पे. इट टुक अ बिट लॉन्ग. हाय, हेलो, नाइस टू मीट यू ऑल. आर यू रेडी टू एक्ट टुडे? यस, आई एम नाइस, फुल फुल ऑफ एनर्जी. गुड, लेट्स गो, लेट्स गेट रेडी. यस, बाय, सी यू इन अ बिट. सनम जंग इज़ बिन अमेजिंग. हम लोगों ने बहुत अरसे बाद एक दूसरे के साथ काम किया. आई थिंक तकरीबन 9 साल तो हो गए हैं मोहब्बत सबके सितारा को. सो इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस व्हेन यू वर्क विद एन एक्टर बिफोर, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाने में. सो दैट वे इट्स बिन रियली अमेजिंग. एंड सनम ने एक बहुत ब्रेव रोल अपनाया है. इसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं इस रोल में फॉर इट्स कॉन्टेंट एंड ऑल्सो फॉर द अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेन दैट शी हैज़ टू बेयर इन दिस वेदर एंड एवरीथिंग दैट इन्वॉल्व्स गेटिंग हर रेडी टू प्ले मोना. सो इट्स बिन रियली गुड. उज़्मा बेग और अदनान जाफर, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन सम वेरी गुड एक्टिंग कंपनी इन दिस प्ले. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आई होप आप लोग ये जानते होंगे कि मैं कौन हूँ. आई एम खदीजा शहबाज और मैं अभी मौजूद हूँ प्यारी मोना के सेट पर. और आप लोगों को पता है मेरी जो मोनू खाला है वो मेरे साथ बहुत फ़न करती है और मैं भी उनके साथ बहुत फ़न करती हूँ. मैं
और वो एक साथ खाते हैं, हर चीज़ सेम सेम खाते हैं, सेम सेम थोड़ी सेमिंग करते हैं कि कोई क्लोथ सेम ही हो जाए, हेयर्स भी सेम करते हैं और हम लोग बहुत फन करते हैं। आप लोग जब यहाँ, अगर आप लोग सेट पर आ पाते ना, तो आप लोग समझते हैं कि आप लोग अलग ही दुनिया में आ गए और बहुत फन करते हैं। आप लोग भी प्लीज़ प्यारी मोना देखिएगा और कमेंट्स करके बताएगा। हाय, आई एम उस्मा बेग एंड आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ शाइस्ता एंड प्यारी मोना, मोना की अम्मा जिसको आप शायद चुड़ैल समझें लेकिन नहीं, वो चुड़ैल नहीं है, एक माँ की जो एक होती है ना, उनके चैलेंजेस होते हैं उनको समझें प्यारी मोना के थ्रू। माएँ बेचारी जो होती हैं, देर कमिंग फ्रॉम द बेस्ट प्लेस इन देयर हार्ट्स फॉर देयर किड्स, और वही शायद मैंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। फ्रस्ट्रेशन आप देखेंगे कि मैं चाह क्या रही हूँ और हो क्या रहा है, और मोना और मेरा सारा कॉन्स्टेंट टसल चल रहा है। उसमें मैं सनम को आई विल गिव हर अ लॉट ऑफ क्यूडॉस फॉर एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, और कितनी तकलीफ उस बेचारी ने उठाई है वो फैट सूट पहन के, और क्या क्या गर्मी में, तो आई स्वेयर टू गॉड अगर मैं होती तो मेरी तो बस हो जाती, पर वो हंसती रहती है और वो बड़े अच्छे से सह जाती है, एंड शी इज़ जस्ट बीन सो फिनोमिनल। सो मोना बनने में काफ़ी वक्त लगता है मुझे, क्योंकि मैं इस वक्त बॉडी सूट पहनी हुई हूँ, मैंने ये पेट मेरा निकला हुआ है, टॉप से लेके बॉटम तक मैंने बॉडी सूट पहना है, मेरे स्लीव्स भी यहाँ, दिस इज़ ऑल्सो यू नो लाइक आई एम वेयरिंग अ बॉडी सूट। उसके अलावा यू नो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि क्या सनम असल में ऐसी हो गई हैं ये क्या, तो दिस इज़ ऑल बॉडी सूट। एंड उसके अलावा मैंने 5 से 7 किलो गेन किया ताकि ये जो मैं लग रही हूँ वो मेरा शक्ल भी उसको सपोर्ट करे। सो मेरे डायरेक्टर चाहते थे कि मेरी शक्ल भरी हुई लगे। सो या ये सारी चीज़ें मैंने की हैं, मैं जिम नहीं जा रही हूँ, तो मेरी जो मैंने कुछ कुर्बानियाँ दी हैं, मैं 3 महीने से जिम नहीं जा रही, मैं 3 महीने से सब कुछ खा रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है सब कुछ खा के। आई एम एंजॉयिंग सेट पे, हम बहुत मज़े की चीज़ें करते हैं, बट नो वेयर वी आर नॉट सपोर्टिंग अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स और अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग। हम ये कहीं भी प्रमोट नहीं कर रहे, हम बस ये प्रमोट कर रहे हैं मोना बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है, मोना बहुत स्मार्ट है। हम बस ये बोल रहे हैं कि मैं करूँगी जब मैं अपने लिए करूँगी, मैं किसी और के लिए नहीं करूँगी। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि किसी और के कहने पर करना, ख़ुद रियलाइज़ करके अपने आप को बेहतर बनाना इज़ समथिंग डिफरेंट। ये दो अलग चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करें।